हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा रोल। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर अगर किटी पार्टी हो या फिर कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप इसे बना सकते हैं, या फिर शाम को आप चाय के साथ भी इसे बना के खा सकते हैं। ये अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमें सही मात्रा में लेना है, नहीं तो हमारे पिज़्ज़ा रोल अच्छे नहीं बनेंगे। हमें ऑयल इतना ही डालना है कि मैदे की मुट्ठी बंधने लगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मैदा और तेल पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए मुट्ठी बनने लगी है, यानी कि हमने तेल सही डाला है। अब हम इसको पानी से गूंदेंगे। आटा है इसका सॉफ्ट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा लेकिन गीला नहीं होगा। ये क्रिस्पी पिज़्ज़ा रोल का आटा लग गया है। अब मैं इसको ग्रीस करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लिया है और इसको हम चिकना कर देंगे। अब हम इसको ढक के 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हम पिज़्ज़ा रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैं 2 बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ। तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, जिसको मैंने पहले से काट लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, उसको भी मैंने काट लिया है। अब हम 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज को पहले अच्छे से भूंज लिया है, अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 शिमला मिर्च डालूंगी, इसको भी मैंने काट लिया है। अब हम इसमें 1/2 गाजर डालेंगे, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्न डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच ऑरिगैनो, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हमें क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ, 1 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 1 बड़े चम्मच डाल के अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो देखिए हमारी स्टफिंग लगभग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे, लेकिन जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो अभी बाकी है। मैं चीज़ डाल रही हूँ, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और ये 1/2 कप ली है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा वगैरह में ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल होता है। तो अभी हम स्टफिंग को ठंडी होने देंगे। अब हम पिज़्ज़ा रोल तैयार करते हैं। तो 1/2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे। अब हम बेलना शुरू करते हैं। तो इसको ओवल शेप में ही बेलेंगे। तो देखिए हमारे बिल के तैयार हो गया है। अब हम स्टफिंग डालेंगे इसमें। मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच स्टफिंग डाली है, आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं। इसके किनारों को हमें अच्छे से चिपका देना है। अब हम नीचे से इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने ये चाकू लिया है, इससे हम लंबा लंबा काटेंगे। तो हमें एक समान दूरी पे काटना है।
अब इसको हम चिपकाएंगे दूसरी साइड। तो इसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ, तो ये मैदा मैं 1 बड़े चम्मच ले रही हूँ और इसमें हम पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से फेंटना है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने जो पोर्शन काटा था वहाँ पे मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से लगा देना है। अब इसका एक एक हिस्सा उठा के इसको चिपकाना है उसके ऊपर। जो आखिरी वाला हिस्सा है उसको हम अच्छे से चिपकाते जाएंगे। इसको देखिए मैंने टर्न करके अच्छे से चिपका दिया है। तो अब ये हमारा तलने के लिए रेडी है। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं तलेंगे, इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही तलेंगे। इसको तलने में थोड़ा टाइम लगता है और इसको हमें धीरे धीरे ही तलना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना है वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए, मैं इनको निकाल ले रही हूँ एक प्लेट पर। देखिए पिज़्ज़ा रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में सचमुच ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप घर पे इसे बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। दोस्तों अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और कोई सजेशन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। और किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।